जिला चंबा के 600 स्कूलों में SCERT और शिक्षा विभाग द्वारा तीसरी, छठी और नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे के तहत टेस्ट का आयोजन 3 नवंबर को किया जा रहा है। इस बारे जानकारी देते हुए डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री व डाइट चंबा के प्रधानाचार्य सुमन कुमार मिन्हास ने बताया कि चंबा में इसके तरह BEd और JBT कर रहे छात्र इन 600 स्कूलों में इस टेस्ट के आयोजन प्रक्रिया का आयोजन करने में सहयोग करेंगे, जिसमें तीसरी, छठी और नौवीं कक्षा के छात्रों के शिक्षा स्तर का आकलन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और जिला चंबा में कल 3 नवंबर को स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे होने जा रहा है, जिसमें SCERT और शिक्षा विभाग की ओर से इसका आयोजन हो रहा है और जिला चंबा में भी डाइट चंबा और शिक्षा विभाग प्राथमिक और उच्च दोनों विभाग जो है इसमें भाग ले रहे हैं। जिला चंबा के लगभग 600 स्कूल हैं जहां ये टेस्ट होगा और इसके लिए जो क्लासेज हैं वो है तीसरी क्लास के लिए, छठी क्लास और नाइन्थ क्लास के लिए। बच्चों का जो अचीवमेंट है और लर्निंग आउटकम्स हैं उनकी परख की जाएगी और इसके लिए हमने जो है वो जो क्वेश्चन पेपर हमें SCERT की ओर से मिला है और NCERT की ओर से वो हमने सारा फील्ड में जो है बांट दिए हैं और लगभग 600 स्टूडेंट्स जो हैं वो फील्ड इन्वेस्टिगेटर के तौर पर हमने टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए लगाए हैं। ये स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे BEd के ट्रेनीज हैं और JBT जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, DLED कर रहे हैं, उनमें से हमने इनका चयन किया है और जो कुछ एरिया हमारे बच गए जहाँ हमारे ये स्टूडेंट्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे तो वहाँ हमने जो है दूसरे स्कूलों से टीचर्स की जो है वो ड्यूटीज़ लगाई हैं ताकि ये टेस्ट जो है वो प्रॉपरली जो है कंडक्ट हो जाए और बच्चों का जो सही आकलन है कि उनका अचीवमेंट लेवल क्या है वो पूरा हमारे पास आ जाए। इसके लिए कल जो है ये 10:30 बजे टेस्ट शुरू होगा और लगभग 2 घंटे तक जो है ये सारी प्रक्रिया जो है वो चलेगी और तब हमारा विभाग जिला चंबा का पूरी रूपरेखा जो हमारे सामने आ जाएगी बाद में जब रिपोर्ट पब्लिश होगी। इससे पहले और भी कई सर्वे होते रहे हैं, जैसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे है जो NCERT की ओर से कंडक्ट किया जाता है और उसी तर्ज पर जो है ये हिमाचल प्रदेश में सीज पर्क 2023 के नाम से ये टेस्ट जो है होने जा रहा है। सीज का पूरा मतलब है स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे फॉर 3rd, 6th and 9th क्लासेस। ये जो 600 सेंटर बने हैं हमारे, ये SCERT में जो रिसर्च स्टडी होती है वो रैंडम सैम्पलिंग के आधार पर उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं ताकि पूरे ज़िले की जो है सही पिक्चर जो है सामने आ सके। तो ये पूरी रिसर्च स्टडी के तौर पर जो है इसको किया जा रहा है, अपनी मर्जी से कोई स्कूल नहीं लिए जा रहे हैं, इसमें जो रिसर्च स्टडी में आया है उसी हिसाब से किया जा रहा है। सर इसमें प्राइवेट स्कूल भी हैं? इसमें प्राइवेट स्कूल भी हैं और पांगी इंक्लूडिंग है, वहाँ पे भी हमारा मटेरियल जो है पहुँच चुका है। किस तरह का मटेरियल आएगा सर बच्चों? इसमें क्वेश्चन बुकलेट्स हैं, क्वेश्चन पेपर हैं और बाकी जो है मैनुअल है, जो गाइडलाइंस हैं कि कैसे कंडक्ट करना है इसको।